Hello everyone. So in this video I will discuss a mathematical physics topic, that is eigenvalues and eigenvectors of a matrix. So this topic is very important as well as very easy to understand. ठीक है, सो बहुत सिंपल है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स निकालना एक मैट्रिक्स के. सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स निकालते कैसे हैं. पहले आइगन वैल्यूज़ देन आइगन वेक्टर्स निकालना, देन आई विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स. ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, अगर आप ये सब थ्योरी कर लोगे सो देन यू विल बी एबल टू डू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा धीरे धीरे आगे वीडियोज़ में. सो पहले देखते हैं कि मतलब दिस टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है. ये यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ये सेम क्वांटम मैकेनिक्स में भी है. वहाँ पे आइगन वहाँ पे हम किसी ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स निकालते हैं. सो ये टॉपिक उस हिसाब से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में डायरेक्ट रिलेशन है. क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक्स है, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड. ठीक है, सो देखते हैं, लेट्स सी. सो फर्स्ट इज इफ़ ए इज़ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n. ठीक है, ए स्क्वेयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, एंड x इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by 1, एंड लामडा इज अ स्केलर. देन इफ ए एक्स इज इक्वल टू लामडा एक्स, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन. एंड इफ ए एक्स इज इक्वल टू लामडा एक्स, देन x इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A. ठीक है, x को हम आइगन वेक्टर कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यू लामडा. लामडा होगी आइगन वैल्यू. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है ए जो एक कॉलम मैट्रिक्स पे ऑपरेट हुआ, देन ऑपरेट होने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसे. सो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद हमें एक स्केलर मिल जाएगा मल्टीप्लाइड बाय द सेम जो यहाँ पे जो आइगन वेक्टर था वही यहाँ पे आ गया एक्स कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, और हमें एक स्केलर मिल गया, एंड दिस स्केलर कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन. सो जो आइगन वैल्यू है वो पर्टिकुलर आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग है. ठीक है, एक मैट्रिक्स का ही है लेकिन पर्टिकुलर आइगन वेक्टर का है. जैसे ए एक्स वन आइगन वेक्टर ले लिया, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें लामडा वन आइगन वैल्यू मिली है इंटू एक्स वन. एंड अगर एक्स टू पे ऑपरेट करेंगे, एक और दूसरा आइगन वेक्टर है एक्स का, तो उस पर ऑपरेट करेंगे सो उस पर हमें एक डिफरेंट आइगन वैल्यू मिलेगी. ठीक है, ये दो आइगन वैल्यू सेम भी हो सकती हैं. अब हम इसे यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, सो ए एक्स माइनस लामडा आई एन इंटू एक्स. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई एन इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जिसके मतलब डायगनल मैट्रिक्स होता है, जिसके एक्सेप्ट डायगनल एलिमेंट्स सब जीरो होते हैं, एंड डायगनल एलिमेंट्स वन 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 होते हैं, ऑल डायगनल एलिमेंट्स वन होते हैं. ठीक है, ये आई थ्री हो गया थर्ड ऑर्डर का, ऐसे ही आई टू एंड आई वन लिख सकते हैं. सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. सो मैंने आइडेंटिटी nth ऑर्डर का ले लिया जनरलाइज करने के लिए. सो ए एक्स माइनस लामडा आई एन इंटू एक्स, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सो वो सेम दे देता है. सो इसलिए मैंने यहाँ पे आई एन इंटू एक्स लिख दिया. सो एंड इसे इधर ले गए, सो इक्वल टू जीरो आ गया. देन एक्स हमने कॉमन ले लिया, सो ए माइनस लामडा आई एन इंटू एक्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो ए से सब्ट्रैक्ट, मैं डायरेक्ट ए माइनस लामडा नहीं लिख सकता था, इसलिए यहाँ पे आई एन आया, क्योंकि ये थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स होगा, मतलब जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो यहाँ पे भी हमें एक मैट्रिक्स चाहिए, खाली लामडा नहीं लिख सकता. सो इसलिए ये ऐसे इक्वेशन आ गई. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन. सेम यही इक्वेशन है, बस अलग वे में लिख दिया. नाउ इस मैट्रिक्स को, जो ये मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स ए माइनस लामडा आई एन, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज ये, एंड सेकेंड इज द इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लामडा आई एन. सो हमने जो ये मैट्रिक्स निकाली है इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लामडा आई एन, सो दिस इज इक्वल टू जीरो. दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू इक्वेशन. इसे भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें आइगन वैल्यूज मिल जाती हैं, इसलिए हम इसे आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं. एंड समटाइम्स ये जो है, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ लामडा, ये पॉलिनोमियल है एक लामडा का. सो इसे दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ लामडा, सो इसको कभी कभी हम लिख देते हैं दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लामडा आई एन. सो ये लामडा में पॉलिनोमियल है, सो इसको कभी कभी हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी कह देते हैं. ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज, यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है nth ऑर्डर का, ये सेम ऑर्डर का होगा जो ये मैट्रिक्स ए लिया.
ठीक है, ये n बाय n nth ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो अगर सेकेंड ऑर्डर का होगा तो आई टू लेना पड़ेगा हमें, आई टू ऐसा होगा वन वन, ठीक है ठीक है। अगर ये ए थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स होगा तो आई थ्री हो जाएगा, ठीक है। सो उस हिसाब से ए पे डिपेंड करता है। सो देन दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो इट्स इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, क्योंकि ये लामडा में पॉलिनोमियल होगा, सो इसके जब हम रूट्स निकालेंगे इक्वल टू जीरो करके, दिस रूट्स आर कॉल्ड करेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, लामडा की फॉर्म में हमें मिलेंगे, लामडा की रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो लामडा वन लामडा टू उसे हम डिनोट कर सकते हैं। सो लामडा की काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, सो उस हिसाब से हमें हमारे पास ये रूट्स कहते हैं, इसे आइगन वैल्यूज़। सो यहाँ से हम आइगन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। दीज आर आइगन वैल्यूज़। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि फॉर ईच आइगन वैल्यू लामडा देयर एग्जिस्ट अन आइगन वेक्टर एक्स। कॉलम मैट्रिक्स है एन बाई वन का, ऑफ ऑर्डर एन बाई वन, सच दैट इट सेटिस्फाई ए एक्स इज इक्वल टू लामडा एक्स। ठीक है, वही जो इक्वेशन थी। सो हमें जब लामडा मिल जाता है तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या फिर इस इक्वेशन में, ये दोनों इक्वेशन सेम है, ए माइनस लामडा आई एन एक्स इक्वल टू जीरो, और इसको हम आइगन वेक्टर कहते हैं एक्स को, या फिर करेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कभी कभी कह देते हैं। एंड जो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें रूट्स मिलेंगे, सो अगर सेकेंड ऑर्डर का है मैट्रिक्स, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का है, टू बाई टू का मैट्रिक्स है, सो हमें सिर्फ दो ही रूट्स मिलेंगे। ऐसे ही जब थ्री थर्ड ऑर्डर का होगा तो हमें थ्री रूट्स मिलेंगे, फोर्थ ऑर्डर का होगा तो फोर रूट्स मिलेंगे, इतनी ही आइगन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। एन ऑर्डर का है तो हमें, अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो है वो एनथ ऑर्डर का है, सो ए मैट्रिक्स जो है वो एनथ ऑर्डर का है, तो हमें एन रूट्स मिलेंगे और एन आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी। ओके, एंड अब यहाँ पे हम ये सेम चीज़ हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू लामडा एक्स, यहाँ पे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑपरेट करा है, वहाँ पे हम एक ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं। जैसे ए कैप एक ऑपरेटर ले लिया, उसे हम कोई आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन कह देते हैं वहाँ पे, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे हम कॉलम मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे हम आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन कह देते हैं, या फिर स्टेट ऑफ द पार्टिकल कभी कभी कह देते हैं। सो ए कैप साई ऑपरेट करवाते हैं, देन हमें एक आइगन वैल्यू मिलती है लामडा मल्टीप्लाइड बाय द सेम आइगन स्टेट और आइगन वेक्टर और आइगन फंक्शन, ठीक है। एंड लाइकवाइज अगर इसको रियल में देखें, एग्जांपल लें, एग्जांपल, सो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ले लेते हैं। सो हैमिल्टोनियन को ऑपरेटर को अगर हम ऑपरेट करवाएंगे, साई वन ले लिया, सो इसको अगर हम ऑपरेट करवाएंगे, सो हमें एक एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है हैमिल्टोनियन से, एंड मल्टीप्लाइड बाय सेम। ऐसे ही पोजीशन ऑपरेटर ले लिया एक्स कैप, सो उसको हम एक डिफरेंट आइगन स्टेट पे या आइगन वेक्टर पे ऑपरेट, क्योंकि हर ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन स्टेट होती है, सो इस पे ऑपरेट करवाएंगे तो हमें पोजीशन आइगन वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाइड बाय द आइगन स्टेट, सेम आइगन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सेम होने चाहिए जब ये आइगन वैल्यू इक्वेशन बोली जाएगी, एंड एक स्केलर हमें मिलेगा। ऐसे ही पोजीशन का पी एक्स कैप जो होता है उसे हम ऑपरेट करवाएंगे तो हमें मोमेंटम की आइगन वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाइड बाय द सेम आइगन स्टेट। नाउ यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा मिले हैं, सो यहाँ से जब ये कैलकुलेट करते हैं, सो कैसे करते हैं, ए माइनस लैम्डा, जैसे लैम्डा वन हमें मिला, एक रूट मिल गया, लैम्डा वन लैम्डा टू काफ़ी सारे रूट्स मिले हैं, सो लैम्डा वन के कोरस्पॉन्डिंग अगर हमें आइगन वेक्टर निकालना है, सो हम ऐसे लिखेंगे ए माइनस लैम्डा वन, ठीक है, इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे लैम्डा वन की वैल्यू इंटू आई एन इंटू, यहाँ पे हमें एक्स लेना पड़ेगा, सो एक्स वेक्टर इंटू, अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सो ए माइनस लामडा लामडा वन आई एन इंटू एक्स वन। सो इस इक्वेशन से मुझे एक्स वन मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लामडा वन इस इक्वेशन से निकाल लेना, फर्स्ट स्टेप यही है, लामडा वन लामडा टू लामडा थ्री आइगन वैल्यूज इससे निकल जाएंगी, देन बारी बारी से हर आइगन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके, इस इक्वेशन में पुट करके आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे। सो ऐसे ही ये लामडा वन एक्स वन, एंड यहाँ पे अगर हम इसे लिखें तो एक्स वन को ऐसे लेट कर लो, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जितने ऑर्डर का है इक्वल टू जीरो, ठीक है। जिस ऑर्डर का ये है उसी पे डिपेंड करता है, एन बाय वन का कॉलम मैट्रिक्स होगा ये, ठीक
ठीक है, x1 x2 x3 ऐसे ले लिया और ये 3 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा. सो ये इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस, देन वी विल सोल्व देम, वी विल गेट x1 x2 x3 की वैल्यू. सो उससे हमारे पास आइगन वेक्टर मिल जाएगा. ऐसे ही अगर लैम्डा 2 पता है, सो लैम्डा 2 के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक डिफरेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया था. सो उसको हम ऐसे लिख देंगे, देन सोल्व करेंगे, x2 मिल जाएगा. सो ये प्रोसीजर है. सो नेक्स्ट देखते हैं. नाउ आइगन वैल्यू हमने निकाल ली. नाउ आइगन वैल्यू के बाद जो आइगन वेक्टर निकालते हैं, सो उसकी इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं आप देखते हैं. सो ए माइनस लामडा आई एन इंटू एक्स, जब यहाँ पे लामडा की हम वैल्यू डाल देंगे, सो दिस इक्वेशन जो वुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, जो एक्स के जो हम अननोन्स लेंगे x1 x2 x3, सो वो उन 3 या फिर 2 वेरिएबल में, अगर ये मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स इसलिए लिखा कि ए को मैंने 3 by 3 का मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है. लाइकवाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3rd ऑर्डर का है. सो अगर 2nd ऑर्डर का होगा, सो हमें 2 in 2 वेरिएबल्स मिल जाएगा. ओके, सो इस इक्वेशंस के नाउ 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं, या तो इस टाइप की इक्वेशन होगी, या फिर सिंपली ax इज इक्वल टू 0 इस टाइप की इक्वेशन. ये दोनों एक ही टाइप की इक्वेशन है, ax इज इक्वल टू 0 या फिर a माइनस लैम्डा आई एन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है. सो इसके 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. नाउ पहले हम देखते हैं कि कैसे होता है ये. सो लेट, अब ये जो पूरा मैट्रिक्स है ए माइनस लैम्डा आई एन, उसको मैंने b लेट कर लिया. सो bx वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x वुड बी इक्वल टू 0. x 0 कब होगा, जब b हम दोनों साइड b का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देंगे. सो b का इन्वर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये तो i हो जाएगा, और i इंटू x x होता है, सो x इक्वल टू 0 आ जाएगा. सो दिस हैपन्स व्हेन b इन्वर्स एग्जिस्ट्स. अगर b इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें x इक्वल टू 0 मिलेगा. ये फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं इसे. सो x इज इक्वल टू 0, हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब x की सारी वैल्यू, x की जो अदर वैल्यूज हैं x1 x2 x3, सो ये सारी 0 हो जाएंगी. सो दिस सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट एंड दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स, ठीक है. ये सॉल्यूशन हमेशा होता है. नाउ हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो चाहिए ये नॉन जीरो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. सो इस सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि जब बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, हमें क्या करना है कि बी इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, जब ही हमें ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा. मतलब इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स ले देते हैं, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है. सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब ये जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है. ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 हो जाएगा, देन ए इनवर्स वोंट एग्जिस्ट, ठीक है. सो हमें यही चाहिए कि बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन एक्स को, अगर हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, सो वो जब होगा जब बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डैट इज बी का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, और बी क्या, ए माइनस लामडा आई एन. सो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा, सो हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल जाएगा. यही कंसेप्ट है जो हम पहले देख रहे थे, यहाँ से जो आइगन वैल्यू इक्वेशन आती है वो यहाँ से आती है, ठीक है. सो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए वी नीड दिस नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स फॉर आइगन वैल्यू इक्वेशन, दैट इज ए माइनस लामडा आई एन एक्स इक्वल टू 0. सो इट दिस सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन ए माइनस लामडा आई मैट्रिक्स. सो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लामडा आई एन वुड बी इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन को हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है. ए एक्स इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके भी समझा देता हूँ कि कैसी इक्वेशंस मिलती हैं हमें. जैसे हमने ए मैट्रिक्स ले लिया, नाउ इस पूरे को ही, क्योंकि ए अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स है, आई भी 3 by 3 का मैट्रिक्स है, सो ये जो पूरा मैट्रिक्स हमें बी मिलेगा वो भी एक 3 by 3 का मैट्रिक्स से मिलेगा, ठीक है. सो इसको अगर आप बी भी ले सकते हो, सो ये दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म की होंगी, एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर दिस. सो अगर हम इसे को ए एक्स इज इक्वल टू 0 लूँ, सो इसको अगर हम मैं सॉल्व करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, सो हमें मिलेगा a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 वुड बी इक्वल टू 0. देन सेकेंड मिलेगा a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 वुड बी इक्वल टू 0. थर्ड मिलेगा a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 वुड बी इक्वल टू 0. सो ये 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी मुझे,
So these are homogeneous equations. These are system of homogeneous equation in three variables. तीन वेरिएबल्स में x1, x2 और x3, ठीक है. यहाँ पे हम एक्स वाई जेड भी ले लेते हैं. सो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स x1, x2, x3 लिए. सो ये तीन वेरिएबल्स में लिए. नाउ इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे. सो अलग अलग मेथड से सोल्व कर सकते हैं, क्रेमर्स मेथड या फिर डायरेक्ट भी सोल्यूशन आ जाता है. ये इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, उसके बाद हमें आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे. x1, x2, x3 की वैल्यू मिल जाएगी. सो x मिल जाएगा हमें आइगन वेक्टर. सो हम इसे ऐसे पुट कर देंगे, देन वी विल गेट द आइगन वेक्टर. सो एक एग्जांपल देख लेते हैं. सो दिस इज़ द क्वेश्चन विच केम इन दिसंबर 2017. इसमें दे रखा है कंसिडर द मैट्रिक्स इक्वेशन. सो ये मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है. नाउ द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, वही मैंने कहा था कि नॉन जीरो सोल्यूशन होता है. एंड द कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज सोल्यूशन अप टू अ साइन इज. सो इस ये सॉल्व करके देखना, इसका आंसर एंड सोल्यूशन मैं एक अलग वीडियोज़ में दे दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो वहाँ से आप देख लेना. सो नेक्स्ट मैं एक अभी सिंपल क्वेश्चन देखूंगा. सो ये भी काफ़ी सिंपल है, आप सोल्व करके देखना. अगर आपने वो सारा समझ लिया उसके बाद आप इजीली कर लोगे. सो एक एग्जांपल देखते हैं. सो दिस इज़ द एग्जांपल. फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल टू. सो ये मैट्रिक्स दे रखा है, एक टू बाई टू का मैट्रिक्स है. एंड ऑल्सो फाइंड द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स. ठीक है, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स भी निकालने हैं. नाउ सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे. सो फर्स्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था ये इक्वेशन सोल्व करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एन. ठीक है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू इक्वेशन इक्वल टू जीरो. ठीक है, नाउ ए यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 5 4 1 2 माइनस लैम्डा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए पे डिपेंड करता है, ए 2 बाई 2 का है तो ये भी 2 बाई 2 का होगा. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो 1 0 0 1 का डिटर्मिनेंट वुड बी इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस लामडा 4 1 2 माइनस लामडा एंड इसका डिटर्मिनेंट वुड बी इक्वल टू 0. सो 5 माइनस लामडा इंटू 2 माइनस लामडा माइनस 4 वुड बी इक्वल टू 0. सो 10 माइनस 7 लामडा प्लस लामडा स्क्वायर माइनस 4 वुड बी इक्वल टू 0. सो लामडा स्क्वायर माइनस 7 लामडा प्लस 6 वुड बी इक्वल टू 0. एंड ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इसकी. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है क्योंकि एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स था. अगर 3 बाई 3 का होता तो हमें क्यूबिक इक्वेशन मिलती, वहाँ से हम इसके रूट्स निकालते हैं. और इसके रूट्स निकालेंगे. सो लामडा स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 6 है एंड समेशन 7 है. सो क्या हो जाएंगे, -6 लैम्डा माइनस लैम्डा. सो -6 -1 का सम -7 होता है एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा. सो लैम्डा पे लैम्डा कॉमन ले लिया. सो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स मिल गए, लैम्डा इज इक्वल टू 6 और 1. ठीक है, सो लैम्डा 1 मैं 6 1 ले लेता हूँ एंड लैम्डा 2 मैं 6 ले लेता हूँ. सो ये दो रूट्स मिल गए हमें. नाउ ये मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके पूरा बताया है. नाउ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें जल्दी है, मतलब फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करनी है. सो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए. ओ हाँ, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए. सो लामडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लामडा प्लस ए का डिटर्मिनेंट वुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, सो ये डायरेक्ट निकालने के लिए कि हमें कुछ ये ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, ऐसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. सो ट्रेस ऑफ क्या होता है, ये इट इज़ द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, सो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम है. सो लामडा स्क्वायर माइनस 7 लामडा प्लस ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 10 माइनस 4 इज 6. सो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गई. सो डायरेक्ट जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के लिए भी ऐसे सेम फॉर्मूला है, वो मैं नेक्स्ट अभी बताऊंगा. एंड इसको सोल्व करने के लिए भी हमें जल्दी जल्दी सोल्व करना है, ऐसे धीरे धीरे सोल्व नहीं करना. वी हैव टू सोल्व फास्ट क्योंकि वहाँ पर कम टाइम में, क्योंकि ये सबसे ईजी टॉपिक है और इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, इसको जल्दी से जल्दी करना है. सो इसको जल्दी से जल्दी करने के लिए इसके रूट्स निकालना भी काफ़ी ईजी होता है. जैसे मैं तो डायरेक्ट निकाल लेता हूँ. सो इसके 1 2 3
3 and 6. So 1 minus 6, so minus 6, lambda minus 1. So this is how I calculate. ठीक है, so ये method मैं बाद में आपको बता दूंगा cubic, ऐसे ही cubic के लिए मैं निकालने में suggestion 2 or 3 seconds में जल्दी जल्दी roots निकालना. So ये मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं ये roots जल्दी जल्दी. So next देखते हैं. Now eigen values हमारे पास आ गई. Now eigen vectors की बारी आती है. So eigen vectors निकालने के लिए मैंने बोला था कि उस equation में put कर देते हैं जो हमारे पास eigen value equation थी. So a minus lambda i, सो लैम्डा 1 लिख लूँगा मैं, ये लैम्डा 1 के लिए कर रहा हूँ, लैम्डा 1 विच इज़ 1. सो इसके लिए पहले मैं निकालूँगा. सो a माइनस लैम्डा 1 i इंटू एक्स 1 वुड बी इक्वल टू 0. सो a हमारे पास है 5 4 1 2 माइनस लैम्डा 1 इज़ 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 इंटू एक्स 1 को मैं लिख लूँगा x1 x2. ठीक है, 2 by 1 का कॉलम मैट्रिक्स होगा क्योंकि ये 2 by 2 का, तो इस पे इसके जैसा ही होता है. सो ये अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 4 1. सो ये भी आपको जल्दी जल्दी करना है क्योंकि अगर आपने यहाँ तक किया तो इसमें डायरेक्ट माइनस ही करना होता है. सो 4 4 1 4 मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि सब स्टूडेंट्स के लिए आई हैव टू सॉल्व. ठीक है, सो 4 4 1 1 इंटू x1 x2 वुड बी इक्वल टू 0. सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4x1 + 4x2 वुड बी इक्वल टू 0 एंड x1 + x2 वुड बी इक्वल टू 0. सो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, दोनों इक्वेशन सेम है x1 + x2. सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x1 = -(x2). ठीक है, सो हमारे पास एक इक्वेशन है, दो अननोन्स है. सो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, x1 = -(x2) है. सो x2 को मैं k ले लूँगा. सो x1 हो जाएगा माइनस ऑफ के, ओके. सो x2 आ जाएगा, x2 जो x1 x2 था. सो हमारे पास जो आइगन वेक्टर है, सॉरी x1 फर्स्ट लैम्डा 1 के कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर है वो हमें मिल जाएगा x1 x2 वुड बी, दिस वुड बी माइनस के एंड दिस वुड बी के, और k को हम कॉमन लिख देते हैं एंड दिस वुड बी -1 1. सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट. ठीक है, के कुछ भी वैल्यू हो सकती है, के विल बी एनी रियल इंटीजर. ठीक है, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं. सो के को अगर हम लाइकवाइज अगर के को मैं 1 लूँगा, सो सिंपली ये -1 1 हो जाएगा. अगर -1 लूँगा के को तो ये 1 1 -1 होगा. सो ये सारे सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, x1 ही है ये सारे आइगन वेक्टर्स. ठीक है, और अगर इसको मैं 2 ले लूँगा सो ये आ जाएगा एंड -2 लूँगा सो 2 - 2 आ जाएगा. ठीक है, सो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ये हो गया. देन इसके बाद हमें लैम्डा 2 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है. सो लैम्डा 2 हमारा 6 था, सो उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे. सो ये हो जाएगा -1 क्योंकि 6 है, 5 - 6 - 1 हो जाएगा 4 1 - 4 इंटू x1 x2 वुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने सेम वही करा, लैम्डा 2 i इंटू x2 को x1 x2 दोबारा ले लिया. सो -x1 + 4x2 वुड बी इक्वल टू 0 एंड x1 - 4x2 वुड बी इक्वल टू 0. सो यहाँ पे अगेन दो इक्वेशंस मिली हैं, दोनों इक्वेशन सेम है, अगेन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिलेंगे. सो यहाँ से आ गया x1 = 4x2. सो x2 को अगर मैं k ले लूँगा सो x1 हो जाएगा 4k. सो x2 जो आइगन वेक्टर है वो मेरे पास आ जाएगा 4k एंड k, और अगर k कॉमन ले लूँगा सो 4 1. सो k की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ. सो ऐसे ही x2 आ जाएगा, अगर k को 1 लूँगा तो 4 1 आ जाएगा, -1 लूँगा सो आ जाएगा -4 -1. सो ये सारे आइगन वेक्टर सेम है. ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता होता है. सो सब वैल्यूज़ अलाउड हैं. ठीक है, के की कोई भी वैल्यू पे, के को नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई भी इंटीजर नेचुरल नंबर सॉरी होल नंबर ले सकते हैं. ओके, बस 0 नहीं ले सकते, या 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 में ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें. ठीक है, अगर 2 लेंगे तो 8 2 आ जाएगा एंड -2 लेंगे सो -8 -2 आ जाएगा.
सो ऐसे एक्स टू और एक्स वन हमने निकाल लिया. नाउ क्वेश्चन में बोला था कि ऑल्सो फाइंड द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर. सो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास नॉर्मलाइज्ड कंडीशन होती है. नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं इसे. सेम हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ करते हैं नॉर्मलाइज करने के लिए आइगन फंक्शन को. सो एक्स वन डैगर इंटू एक्स वन वुड बी इक्वल टू वन. दिस इज़ द नॉर्मलाइज कंडीशन. ये यूज़ करते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी. सो एक्स वन था हमारे पास माइनस के एंड के. ठीक है. सो ये हो जाएगा माइनस के डैगर इसका ये हो जाएगा एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा. एंड एक्स वन इज़ माइनस के वुड बी इक्वल टू वन. सो यहाँ पे के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वुड बी इक्वल टू वन. के वुड बी प्लस माइनस वन बाय अंडर रूट टू. ओके. सो यहाँ से एक्स वन आ जाएगा जो नॉर्मलाइज्ड है. एक्स वन नॉर्मलाइज्ड. सो ये होगा वन बाय रूट टू. ठीक है. क्योंकि एक्स वन था माइनस के. सो के की जगह प्लस माइनस कुछ भी डाल सकते हैं. सो मैं प्लस की जगह प्लस डालूँगा. सो ये ऐसे आएगा माइनस वन वन बाय रूट टू माइनस वन वन. और इसको लिख सकते हैं माइनस वन बाय रूट टू और वन बाय रूट टू. ठीक है. ऐसे भी लिख देते हैं. और अगर इस के की नेगेटिव वैल्यू लूँगा सो उसमें भी वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू. ओके. सो ऐसे हम नॉर्मलाइज निकाल लेते हैं. नाउ एक्स टू का नॉर्मलाइज निकालेंगे. एक्स टू डैगर इंटू एक्स टू वुड बी इक्वल टू वन. एंड एक्स टू हमारे पास है एक्स टू इज फोर के फोर के इंटू के वुड बी इक्वल टू वन. सो सिक्सटीन के स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर वुड बी इक्वल टू वन. 17 के स्क्वायर वुड बी इक्वल टू वन. सो के वुड बी प्लस माइनस वन बाय अंडर रूट 17. ओके. सो एक्स टू आ जाएगा जो नॉर्मलाइज एक्स टू होगा वो हमारे पास आ जाएगा वन बाय अंडर रूट 17. ठीक है. जो के कॉमन लेके करा था एंड 41. ओके. सो इसकी प्लस माइनस कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. सो वो अंदर जाके आप कर लेना. सो ऐसे हम नॉर्मलाइज निकालते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ